चटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाथमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव चटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण। जय श्री महाकाल। आदेश, मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति तंत्र मंत्र केंद्र में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी और चमत्कारी साधना दे रहा हूँ, और ये जो साधना दे रहा हूँ ये मैं पहले भी दे चुका हूँ, शोभना यक्षिणी दिव्य दृष्टि साधना। वो जो साधना थी उसमें 1.25 लाख जाप करना होता था और 11 दिन की साधना थी, 11 दिन में 1.25 लाख। तो आज मैं आपको एक दिवसीय साधना दे रहा हूँ, शोभना यक्षिणी की एक दिवसीय साधना। आप एक ही दिन में शोभना यक्षिणी को की साधना कर सकते हैं और सिद्धि प्रदान कर सकते सिद्धि कर सकते हैं। तो जो शोभना यक्षिणी है बहुत प्रभावकारी और चमत्कारी यक्षिणी है, और इनकी शक्ति का शक्ति जो है लाजवाब शक्ति है। ये अपने साधक को दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं, यानी कि आप इस साधना को करने के बाद में किसी का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जान सकते हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि साधना करने के बाद साधक को किसी के बारे में कोई जानकारी अगर करना चाहता है तो मिनटों में जानकारी होती है, और इनके कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक है। और जब मैं एक दिवस से साधना दे रहा हूँ, ये बहुत गुणकारी साधना है। जो लोग मांग रहे थे कि छोटी साधना दीजिए, तो मैं आपको ये साधना दे रहा हूँ, शोभना यक्षी दिव्य दृष्टि साधना। तो ये आप दीपावली की रात्रि को कर सकते हैं या फिर कभी भी पूर्णिमा पर कर सकते हैं। तो साधना करें, साधना में मंत्र वही है, विधान वही है, बस अलग क्या है, अलग ये है कि आपको 1.25 लाख जाप ना करके दीपावली की रात्रि को 108 माला करनी है और 11 माला से आहुति करनी है। तो और ये जो यक्षिणी होती हैं या योगिनी होती हैं ये बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी होती हैं, और इनकी शक्ति भी लाजवाब शक्ति होती है, और ये बहुत जल्दी सिद्ध भी हो जाती हैं। बस चाहिए तो साधक को सिद्ध करने के लिए किसी भी कार्य करने को लिए अलग जोश चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये कि जो आदमी धुन का पक्का होता है, आध्यात्मिक क्षेत्र को छोड़ो, किसी भी क्षेत्र में अगर जिस आदमी ने एक बार ठान लिया और धुन का जो पक्का व्यक्ति होता है वो अपनी मंजिल जीत ही लेता है, हर कार्य असंभव कार्य को संभव बना सकता है वो व्यक्ति। तो आप 11 दिन की साधना अगर 1.25 लाख जाप करने में कठिनाई हो जिन लोगों को हो रही थी, और काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे, और जिन लोगों ने ये साधना की और उनके हमारी संस्था के पास फ़ोन आ रहे हैं, उन्हें माँ भगवती की कृपा से शोभना यक्षिणी की साधना उनकी सफल हुई और वो कार्य कर रहे हैं, उनकी साधना कार्य कर रही है। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि मेरे द्वारा दी गई साधना से लोग लाभ उठा रहे हैं और उनका कार्य हो रहा है, तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं है। बहुत खुश हूँ मैं उन लोगों के कमेंट पर और कॉल पर। तो आप और भी लाभ उठाएं, और भविष्य में आपको मैं और भी अच्छी और दिव्य चमत्कारी साधनाएं देता रहूँगा। बस आप लोगों का प्यार यूं ही मेरे प्रति बना रहे। तो जो मैं साधना, आप इस साधना को सुन लें, और बहुत सिंपल सी साधना है, मंत्र वही है, विधान वही है, कुछ बदला नहीं है।
मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम शोभना यक्षिणी फट स्वाहा। मंत्र एक बार और सुने, ओम ह्रीम क्लीम शोभना यक्षिणी फट स्वाहा। करना क्या है, एक लकड़ी की चौकी ले, उस पर सफेद वस्त्र बिछा दें, गुलाब के फूल रखें, थोड़े से घी का दीपक प्रज्वलित करें। आसन कुशाका होगा, दिशा आपकी पूर्व होगी, वस्त्र आपके सफेद होंगे और सात बताशे रखें और सात ही लोंगे रखें, सात जोड़ा लोंगे, सात बताशे सात जोड़ा लोंगे, दो सुपारी और दो जायफल। यह आपको भोग में रखना है। एक मीठा पान रखें और दूध से बनी खीर रखें और आप दीपावली की रात्रि को करें। और वैसे भी मैंने ये साधना जो दी थी बुधवार या शुक्रवार को दी थी करने के, लेकिन देखो दिन कितना अच्छा पड़ा है कि दीपावली भी ही बुधवार को है, तो आप ये दीपावली की रात्रि को करें। तो आप संध्या में बैठ जाइए अपनी पूजा पाठ से निपट के, और दिशा पूर्व माला रुद्राक्ष की, वस्त्र सफ़ेद, और 108 माला करनी है मात्र, और 108। और एक बात और बताऊँ, एक बार आप साधना पर बैठ गए तो उठना नहीं है, एक ही बैठक में 108 माला करनी है, और 108 माला करने के बाद आपको 11 माला आहुति करनी है। अब आहुति की चीज़ से करनी है, वो भी सुन लें, हवन सामग्री लें, देसी घी लें, तिल का तेल, काले तिल, जौन लौंगे गूगल और इलायची और गुलाब के फूल, और आहुति करते ही आपकी साधना सफल हो जाएगी। और प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं यक्षिणी, या भी सब प्रत्यक्ष अगर दर्शन ना भी हो, वैसे साधक को प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, मुझे स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे, और जिस साधक को प्रत्यक्ष दर्शन ना हो तो भी साधना सफल हो जाएगी, आपको दिव्य दृष्टि प्रदान हो जाएगी। बस साधक को चाहिए कि अपने आप में सुनने की अवस्था बनाए। तो जो साधक हैं वो मेरी बात को समझ गए होंगे, और जिन्हें लोगों को समझ नहीं आया होगा वो संस्था के नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो जो जो ये जो मैं एक दिवस से साधना दे रहा हूँ शोभना यक्षिणी की, इस साधना को आप करें, लेकिन इस साधना से साधक जब भी किसी का भूत भविष्य जान सकता है। इस साधना के द्वारा मतलब शोभना यक्षिणी का हम कवच तैयार किया है हमने, और उस कवच में एनर्जी स्थापित की गई है मंत्रों के माध्यम से, गुप्त विधि विधान से। और जो साधक एक दिवस से शोभना यक्षिणी करना चाहता है उसे सिद्धि प्रदान तो हो जाएगी, आप साधना कर सकते हैं, साधना आपकी हो जाएगी, लेकिन कार्य जो शोभना यक्षिणी आप किसी का भूत भविष्य जानना चाहते हैं तो वो कार्य जब ही करेगी साधना, जब आप ये कवच संस्था से मंगा लेंगे। और ये कवच जो मंगाया जाता है ये व्यक्ति के गोत्र नाम से सिद्ध करके दिया जाता है और गुप्त विधि विधान से। तो उसमें शोभना यक्षिणी को का आह्वान करके बैठाया जाता है, और ब्रह्म ऊर्जा और एनर्जी उसमें स्थापित की जाती है, यानी कि गुप्त विधि विधान है वो चीज़। ये समझाने वाली नहीं है, बातों से नहीं समझ सकता कोई भी व्यक्ति, ये तो जब ही साधक समझ सकता है कोई भी, जो अपने गुरु जो गुरु सिखाए, यानी अपने सानिध्य में, यानी अपने सामने, तो जब ही समझ सकता है। तो आप ये साधना करें, एक दिवस से साधना है, और जिन लोगों ने ये साधना की उनका जीवन ही बदल के रख दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये साधना जरूर करें, एक बार और कहूँगा, जरूर से जरूर करें, एक दिवसीय साधना है। क्या पता एक दिन की मेहनत से, यानी कि 4 घंटे की मेहनत से आपका जीवन बदल जाए। तो जय श्री महाकाल, आदेश।